आज के दिन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि जैसे ही हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपा, 15 दिन की समय सीमा तय की, उसके महज 3 घंटे के भीतर अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया है। विद्या इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ और जानकारी के साथ। विद्या देखिए, सुबह ही जब आपने खबर ब्रेक की उसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि अनिल देशमुख के लिए अब पद पर बने रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब इस्तीफे की बात तो सामने आ गई है, लेकिन अब आगे किस तरह की हलचल वहां इस वक्त है बताइए। जी देखिए, काफी महीनों से ये जब से ये पूरा मामला उठा था सचिन वजह से के बाद, तभी से बात हो रही थी कि होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना था, लेकिन क्योंकि एनसीपी उस समय अड़ी हुई थी और कह रही थी कि रेजिग्नेशन नहीं होगा और यहां तक आरोप लगा रही थी कि बीजेपी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है लेने का। इस वक्त हमारे साथ नवाब मलिक है, आइए उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। नहीं, मना कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ साफ यहाँ पे अभी देखिए, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी फिलहाल होम मिनिस्टर जो हैं वो पहुंच गए हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने। थोड़ी देर पहले उससे पहले वो गए थे शरद पवार से मिलने, शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने तुरंत वहां पर बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि होम मिनिस्टर के खिलाफ, यानी कि अनिल देशमुख के खिलाफ तो इंक्वायरी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी सीबीआई की नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। और शरद पवार ने खुद माना कि ये ठीक रहेगा और यही वजह है कि उसके बाद वो तुरंत शरद पवार से मिलने के बाद तुरंत पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और वहां वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको याद हो मीनाक्षी, कई दिनों पहले संजय राउत दिल्ली तक गए थे शरद पवार से मिलने के लिए और उस समय भी उन्होंने कहा था कि रेजिग्नेशन देना ही बेहतर रहेगा, लेकिन इस पर पूरी चर्चा निर्णय जो है वो शरद पवार लेंगे। शरद पवार ने कहा था ये निर्णय होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर चीफ मिनिस्टर लेंगे, तो इन्हीं सब बातों में घोलमोल में निकल गई थी ये पूरी बात और उसके बाद एनसीपी ने निर्णय ले लिया था कि होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा। लेकिन अब जब बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश आ गया है तो होम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, ये निर्णय एनसीपी ने खुद ने लिया है और अनिल देशमुख ने खुद ने लिया है, ऐसा अब एनसीपी कह रही है। बिल्कुल विद्या, बहुत अहम जानकारी आप यहां पर दे रही हैं कि कैसे ये पूरा इन दिनों जो ये पूरा घटनाक्रम चला वो कितना अहम और कितना डेवलपमेंट भरा आज का दिन रहा, क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई अब इन्वेस्टिगेट करे इस मामले को, 15 दिन के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे, उसके बाद यह दबाव और बढ़ता चला गया और आखिरकार इस्तीफा हुआ है। हालांकि अभी इसको लेकर जो औपचारिकताएं हैं वो बाकी हैं। विद्या इस बात को लेकर हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये घटनाक्रम आगे बढ़ता गया, लेकिन विद्या स्पेसिफिकली अगर रेजिग्नेशन की बात करें, एक स्टैंड ले लिया था एनसीपी शिवसेना ने कि इस्तीफा नहीं होगा। बार बार वो कह रहे थे कि केंद्र की साजिश है, बीजेपी की साजिश है, वो सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आज आखिरकार उन्हें अगर इस्तीफे का फैसला लेना पड़ा, इसके पीछे फिर मुख्य वजह क्या मानी जाए? हाईकोर्ट के फैसले का ही दबाव या कुछ और? जी मुख्य, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाईकोर्ट का आदेश ही था। दरअसल एनसीपी को यह भी डर सता रहा है कि एक होम मिनिस्टर के खिलाफ अगर सीबीआई इंक्वायर करेगी, सीबीआई के अधिकारी होम मिनिस्टर के घर पहुंचेंगे, वहां से उनसे पूछताछ होगी, ये बहुत ज्यादा एक कह लीजिए इमेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और यही वजह है कि फिलहाल निर्णय यही लिया गया है कि होम मिनिस्टर के कुर्सी से अनिल देशमुख रिजाइन करेंगे, फिलहाल जो ये होम मिनिस्ट्री है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहेगी। थोड़े ही दिनों में क्योंकि ये तीन पार्टियों की सरकार है तो तीनों पार्टियां मिलकर इस पर निर्णय लेंगे कि आखिर नया होम मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन क्योंकि तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तब तक अनिल देशमुख होम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, इस बात पर निर्णय ले लिया गया है। जी विद्या, एक बार फटाफट हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए, क्योंकि आप आज सुबह कोर्ट में भी मौजूद थी, हाई कोर्ट में जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, स्पेसिफिकली हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को लेकर क्या बातें कही थी? जी देखिए, डिटेल्ड ऑर्डर मीनाक्षी अभी तक आया नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि अदालत ने ये माना कि ये जो पूरा आरोप है जो होम मिनिस्टर के ऊपर लगाया गया है ये बहुत गंभीर है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। आदेश जो अदालत ने जो अपने आदेश में ये वर्ड इस्तेमाल किया कि ये जो पूरा सिचुएशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और यही वजह है कि इस मामले में उनको यही लगता है कि इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए और यही इंक्वायरी के लिए फिलहाल सीबीआई को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिनों में सीबीआई इंक्वायरी करेगी कि इसमें कोई मामला बनता है कि नहीं। अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मामला सीबीआई को लगता है, तो सीबीआई के डायरेक्टर 15 दिन बाद निर्णय लेंगे इस पे, और उस समय जब एफआईआर रजिस्टर अगर होता है तब इस पूरे मामले में पुख्ता तरीके से अनिल देशमुख और दूसरे अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ केस बनेगा, तो ये पूरे मामले की जांच होगी।